क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, शॉर्ट में RCB और मजाक में RCB के नाम से मशहूर टीम, सालों से ट्राई करते करते इस टीम को देखने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, IS YS तक बन गए, लेकिन ये टीम नहीं बन पाई IPL चैंपियन। साल 2020 चल रहा था, लोगों को लगा कि तमाम अनोखी चीज़ों के साथ हो सकता है कि इस बार RCB भी चैंपियन बन जाए, लेकिन ब्रो दिस इज RCB, IPL की सबसे कंसिस्टेंट टीमों में से एक। तो वही हुआ, RCB ने प्रेम पूर्वक IPL ट्रॉफी को मना किया और कर ली घर वापसी। अब टीम का ये जेस्चर ट्विटर और फेसबुक की जनता से सहा नहीं गया, लोगों ने इस प्रेमी टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया, कहने लगे कि ये चोकर्स की टीम है, चोक तो करेगी ही। ऐसे आरोप लगे तो हमने सोचा कि इस बात का फैक्ट चेक किया जाए, फिर हम निकले खोज में स्टैट्स की। शुरुआत हुई इस बात से कि RCB की रीढ़ कौन है। भैया दो ही नाम दिमाग में आए, विराट कोहली और AB डिविलियर्स। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज हैं, तीनों फॉर्मेट में 50 या उससे ज़्यादा का एवरेज रखने वाले कोहली के रिकॉर्ड्स उनकी महानता की गाथा गाते रहते हैं, लेकिन जब बात अहम नॉकआउट मैचों की आती है तब कोहली चूकते दिखाई देते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में कोहली सिर्फ एक रन बना पाए थे। इस प्रदर्शन के बाद खुदाई हुई तो पता चला कि कोहली पहले भी ऐसी नाकामी देख चुके हैं। लगातार तीसरी बार था जब वह वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कुछ नहीं कर पाए थे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कोहली का बेस्ट स्कोर 9 रन है। यह रन उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में। 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने सिर्फ एक रन बनाया, 19 का मैं आपको बता चुका हूँ। इतना ही नहीं, 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भी कोहली सिर्फ 24 रन ही बना पाए थे। इसी तरह 2015 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में कोहली के नाम बस 3 रन थे। कोहली ने टोटल अब तक 6 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेले हैं, इन मैचों में उनके नाम टोटल 73 रन हैं। जी हाँ, सिर्फ 73 रन। इतना ही नहीं, IPL के नॉकआउट मैचों में भी कोहली बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। IPL 2020 से पहले की 10 नॉकआउट पारियों में उनके नाम 125.54 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 231 यानी 231 रन थे। अब बात AB डिविलियर्स की। डिविलियर्स के लिए कोहली का मानना है कि इन्होंने बल्लेबाजी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। क्रिकेट ने डिविलियर्स जैसी बैटिंग पहले कभी देखी नहीं थी। क्रिकेट मैदान के हर कोने को अपनी बल्लेबाजी से चकाचौंध करने वाले डिविलियर्स सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक हैं। ICC वर्ल्ड कप में ओवरऑल उनका एवरेज 63.53 का है, लेकिन जब बात नॉकआउट की आती है तो डिविलियर्स का जादू फीका पड़ता दिखता है। 2007 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डिविलियर्स महज 15 रन ही बना पाए थे। 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 35 रन की पारी खेली थी। साल 2015 के वर्ल्ड कप में डिविलियर्स ने अपनी बेस्ट नॉकआउट पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 65 रन बनाए, हालांकि इसके बाद उनकी टीम हार गई। वहीं IPL की बात करें तो 2011 में RCB से जुड़ने वाले ABD ने इसी सीजन पहले क्वालिफायर में सिर्फ 11 रन बनाए, दूसरे क्वालिफायर में उनके नाम 21 रन रहे जबकि फाइनल में 18 रन। इसके बाद डिविलियर्स ने 2015 IPL एलिमिनेटर में 66 रन की शानदार पारी खेली, हालांकि फाइनल में वह सिर्फ एक रन ही बना पाए और टीम हार गई। 2016 IPL के क्वालिफायर में एक बार फिर डिविलियर्स चमके, उन्होंने 79 रन की पारी खेली, हालांकि फाइनल आया और फिर वह फेल है, सिर्फ 5 रन बना पाए और बेंगलुरु एक बार फिर से फाइनल हार गई। अब भैया देख लिया आपने, ये दो प्लेयर्स जिन पर RCB की बैटिंग का महाबोझ है वो नॉकआउट आते ही ढहने लगते हैं। लीग मैचों में झंडे गाड़ने वाले ये नाम बड़ा मैच आते ही सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसे में सिर्फ इनके भरोसे खेल रही टीम का बंटाधार तो होना तय ही है। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, मैं बचपन से RCB का फ़ैन हूँ, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे मेरे साथ वरुण थे, शुक्रिया।